तो आज हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है हवेली फ्लावर का, क्योंकि 10 यहाँ बज गए हैं और 2 बजे के बाद वहाँ पे अलाउ नहीं है। थैंक्स भावना फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। हमने अपना ट्रैक गोविंद घाट से शुरू किया, जो कि अराउंड 13 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि सुनने में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। लेट्स मेक इट शॉर्ट अ बिट। अब आपके लिए शेयर टैक्सीज अवेलेबल हैं पुलना विलेज तक। तो अब जो एक्चुअल डिस्टेंस है पुलना से घंगरिया विलेज यानी कि बेस कैंप तक का, वो बस अब 9 किलोमीटर है इंस्टेड ऑफ 13 किलोमीटर। आई होप आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, उसमें दिल्ली से गोविंद घाट एंड यहाँ तक कैसे आना है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशंस प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो गाइस, यहाँ पर एक रिवर क्रॉसिंग है, जैसा कि आप लोग पीछे आवाज सुन रहे होंगे, ये अलकनंदा नदी है जो कि बहुत बहुत अपक्लोज में ऐसी लगती है हमेशा जब भी देखो। तो ये रिवर क्रॉसिंग है जस्ट नदी के, हमें ऊपर से जाना है, आपको दिखाते हैं कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। क्रॉस कर लिया अलकनंदा नदी के ऊपर से, और एक मैन मेड पुल है यहाँ पे, ब्रिज है जो लिटरली हिल रहा है चलने में, बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, मतलब एक्सपीरियंस है। सो गाइस, कुछ देर और चलने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम लोगों को अपना रेनकोट निकालना होगा, और इससे आगे मैं शूट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा जो कैमरा है वो वाटरप्रूफ नहीं है। और कुछ ट्राई करूंगा कि मोबाइल से कुछ थोड़ा बहुत शूट जितना भी कर पाऊँ बना पाऊँ यहाँ से आगे गाँव तक का। और अभी जहाँ पर हम रुके हुए हैं एक अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से फोटोग्राफी करने के लिए। अगर आप लोगों को फोटोज वगैरह देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी ऑलरेडी चल रही है, अलग टाइप की फोटोज वगैरह खींच रहे हैं। सो गाइस, जो रास्ता है वो नॉर्मल है, इतना खराब रास्ता नहीं है, बट बारिश होने के बाद हो सकता है कि रास्ता कीचड़ की वजह से थोड़ा स्लिपरी हो जाए, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग अब फटाफट निकले यहाँ से। तो गाइज, अभी हम यहाँ पे रुके हैं मैगी खाने के लिए, और यू नो व्हाट, मैं कुछ टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, और मंथ में ट्राइज अ मंथ ट्वाइस अ मंथ एटलीस्ट एक बार जरूर ट्रैवल करता हूँ मंथ में, और ज़्यादातर मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ अभी। सो आज जब हम यहाँ आए थे तो मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि ईजिली हो जाएगा बिकॉज मैं काफ़ी ट्रैकिंग कर रहा हूँ, और सुबह मैंने प्रॉपर डाइट भी नहीं ली, नाश्ता वगैरह भी ऐसे किया था। तो रास्ते में मुझे कहीं पे फीवरिश सा फील हुआ बिकॉज ऑफ मे बी वेदर कंडीशंस, बिकॉज यहाँ पे एकदम से ठंडा है और हम लोग गर्म से आए थे, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, बट जब फीवरेज थोड़ा बढ़ गया था, फीवर थोड़ा ऐसा लगा कि बढ़ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना होता है, आपको उसको ऐसा चैलेंज लेना होता है। तो अगर आप उसको ऐसा चैलेंज लोगे तो आप उसको ईजिली आराम से टैकल कर सकते हो। साथ साथ में आपको कंडीशंस भी देखनी होती है कि कितना क्रिटिकल आप, कितनी क्रिटिकल कंडीशंस में आप हो, बट अगर आप उसको ऐसा चैलेंज लेते हो, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हो, तो आप इजीली जहाँ भी जा रहे हो, कोई भी पीक में जा रहे हो, कोई भी समिट में जा रहे हो, या कोई भी जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो इजीली पहुँच सकते हो। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, अभी हमने चाय वगैरह पी है, अभी मैगी खा रहे हैं, तो थोड़ा अभी ठीक फील हो रहा है, और वैसे भी आज हमको बेस कैंप पर रुकना है तो हम आराम से जा रहे हैं, और कल हम सुबह अर्ली मॉर्निंग वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम मैगी हमने यहाँ पर खुद बनाई है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे नाम भी नहीं पता है, बट यहाँ पे लोग मैगी खुद भी बना के आप खा सकते हो, और काफी मजा आ रहा है। खंडूरी जी, किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही चाय में? खंडूरी जी यहाँ पे कक्षा देते हुए चाय बनाने की, मैगी तो बहुत ही जबरदस्त बनाई थी इन्होंने, अमित जी ने मैगी बनाई थी, बहुत ही अच्छा सहयोग था खंडूरी जी का, प्यार और प्याज दोनों मिला के बनाई थी, थोड़ी बढ़िया हुई। यस शाबाश, पकड़ो भाई पकड़ो। अच्छा भैया, बाय बाय, शुक्रिया। एक बार वाला डायलॉग बोल दो यार। अरे बोल दो बोल दो, अरे बोल दो बोल दो, अरे बोल दो ना यार, क्या था वो? चाय चाय दूध कॉफ़ी और रास्ते के लिए। सो गाइस, बेसिकली रेन स्टार्ट हो चुकी है और हमने अपना किलबिश वाला रूप धारण कर लिया है, त्रिपाल डाल लिया है सर में, रेनकोट ले लिया है ताकि हम लोग भीगे ना। इससे आगे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है, मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है,
तो जब बारिश रुकेगी उसके बाद दोबारा आपको दिखाया जाएगा आगे का व्यू। खंडूरी जी का कूपर निकल गया है। अरे लोग पहचान में नहीं आ रहे। सम्राट किल्विस। सो गाइस अभी हम लोग थोड़े से शॉर्टकट्स ले रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि बरसात में शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज ट्रेल्स गिरी होती हैं, पूरी स्लिपरी होती हैं और कोई भरोसा नहीं होता। पर स्टिल हम लोग चांस ले रहे हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ खास फ़ायदा भी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बट देख के कदम रखिए, बिकॉज बरसात में कीड़े मकोड़े भी बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए बेटर कि जो नॉर्मल रास्ता है वो यूज़ करें, चाहो तो शॉर्टकट भी ले सकते हो। सो गाइस ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये घाघरिया विलेज से थोड़ा सा नीचे पड़ता है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे लग्जरी कैंप्स लगे हुए हैं, स्विस कैंप्स लगे हुए हैं, जहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पे रहने का फ़ायदा यही होएगा कि यहाँ पर जो व्यू पॉइंट्स हैं काफ़ी औसम है, झरने हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो सुबह काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है अगर आप यहाँ रहते हैं तो। और जो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पता किया था, अराउंड 2000 पर हेड के हिसाब से यहाँ पर आपको चार्जेस पड़ेंगे। आई एम नॉट कन्फर्म्ड बट ऐसा लोग बता रहे थे। स्टिल अगर आप लोगों को कोई अच्छी डील मिल रही है यहाँ पर रहने की, ये जस्ट हेलीपैड के सामने है, ये आपका सामने हेलीपैड है और उसके सामने ही ये सारे कैंप्स हैं, और उसके सामने जो अमेजिंग व्यूज़ है ना, सीरियसली मतलब चारों ओर, मतलब बिलीव मी और नॉट, मैं अपने बातों से बयान नहीं कर पा रहा हूँ कितने अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ से। तो यहाँ रहना टोटली वर्थ है। हालांकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं गंगेरिया गाँव, वहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि लॉन्च वगैरह ले लें, बिकॉज हम इस ट्रिप को एक बजट ट्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, तो चलते हैं आगे की ओर। ये आज इतनी थकान क्यों लग रही है? जनरली ट्रेल्स में इतनी थकान तो नहीं लगती यार। देखो थकान यहाँ है, थकान यहाँ है। खंडूरी से पूछ रही है? नहीं, आप कुछ पत्थरों के बारे में बता रहे थे। अनुभव है, अनुभव खंडूरी है, बहुत अनुभव है। नहीं, आप कुछ पत्थरों के बारे में बता रहे थे। सो गाइस खंडूरी जी यहाँ पे जो है शॉर्टकट, थकावट का शॉर्टकट मार रहे हैं। गाइस जंगल में शॉर्टकट बिल्कुल मत लीजिए, अगर आप भटक गए तो सालों साल लग जाएंगे ढूंढने में। ये भाई यहाँ से चौपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ कि जब जनरल ट्रेल्स में इतनी थकान लगती है, एक तो यहाँ पे स्टीप है, ऊपर से ज़्यादा सीढ़ियाँ भी हैं, तो ज़्यादा थकान लगती है सीरियसली। और पता नहीं ये रास्ता ऐसा है या माइंड सेट ऐसा हो गया हमारा, या हो सकता है हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं इसलिए ज्यादा से। व्यू पॉइंट 300 मीटर आगे, व्यू पॉइंट में बैठने का व्यवस्था नहीं है ना, उन्होंने वहीं पर गांव बसा देना चाहिए था ना, असली व्यू पॉइंट तो नहीं था। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हिंगरिया गांव, और यहाँ पे हम लोगों ने एक होम स्टे लिया हुआ है, यहाँ पे होम स्टे में रहने वाले हैं, और कल सुबह हम जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। सो जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा है, तो अभी कुछ खाना खाने की सोचा है गर्मा गर्म, और उसके बाद जाते हैं अपने रूमों पे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। और बाकी एक छोटी सी एक गाँव है यहाँ पे, कुछ दुकानें हैं, चीज़ें थोड़ी सी महंगी है, बिकॉज चीज़ बहुत दूर है, बहुत मेन टाउन से बहुत दूर है, और प्लस यहाँ पे व्यूज़ काफ़ी ऑसम व्यूज़ है। अगर आप अपने घर से जैसे ही बाहर निकलते हो, सामने अमेजिंग माउंटेन्स है, क्या बताऊँ, मतलब सीरियसली अमेजिंग व्यूज़ हैं, और बारिश भी बहुत तेज हुई है, ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अभी हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको जल्दी। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अमेजिंग व्यू है मार्केट के जस्ट सामने, और यहाँ पे मार्केट में हर एक चीज़ अवेलेबल है। सबसे बेस्ट पार्ट यह है, छोटी छोटे खाने की चीज़ें जैसे रसगुल्ला, जलेबी, दूध, इन सब चीज़ों से लेके हर एक प्रॉपर मील अवेलेबल है। इवन हम जिस होटल पर रुके हुए हैं उसके रेस्टोरेंट में डोसा भी अवेलेबल है। नाइस ना, तो व्यवस्था तो पूरी है, बस थोड़ा सा महंगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी दूर जगह पे है। Thank you.
मतलब यहाँ पे घंघरिया में 10,000 फीट की ऊंचाई पे सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है। नाइस। सो गाइस यहाँ पे एक प्रॉपर मेडिकल स्टोर भी अवेलेबल है, साथ में एक कोई आई डोंट नो डॉक्टर है नहीं है बट कोई बैठा हुआ है जो इमीडिएट इमरजेंसी के लिए अगर इनकेस पड़ती है तो देखने के लिए। सो गाइस यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री शो सेंटर है जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बताया जाता है, फूलों के बारे में बताया जाता है, अलग अलग फूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे सांभर भी बना हुआ है, साथ में कोकोनट की चटनी भी है और प्रॉपर डोसा बना हुआ है। आप खा के पता लगेगा कैसा टेस्ट है, बट स्टिल 13,000 फीट पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। मैं थोड़ा जल्दी लाना था आपने, और नींबू का पानी भी पी रहे। सो गाइस हम लोग आ गए अपने रूम पे और हमने पूरी मार्केट घूमी जैसा कि आप लोगों ने अभी देख लिया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं केमिस्ट के पास गया था। यहाँ पे प्रॉपर एक केमिस्ट की दुकान है जैसा कि आपने अभी देखा होगा, और वहाँ पे कोई एक डॉक्टर से भी बैठते हैं। तो मैंने उसको बताया अपनी प्रॉब्लम कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो भाई ने तुरंत पानी निकाल के दवाई दे के तुरंत उसी टाइम मेडिसिन खिला दी। तो ये बड़ा अलग सा लगा मुझे, कभी ऐसा कोई केमिस्ट करता नहीं है जनरली, तो आई डोंट नो कि क्यों हुआ, बट मुझे भी प्रॉब्लम थी तो मैंने फटाफट दवाई खा ली और अभी मुझे बेटर फील हो रहा है। और हम लोग अभी आ गए हैं और बिल्कुल रजाई के अंदर घुस गए हैं, जैसा कि आप देखो बिल्कुल फुल रजाई वजाई के अंदर लोग घुस गए हैं। और इसके बाद हम अभी सोने वाले हैं और कल सुबह वैली ऑफ फ्लावर के लिए उठेंगे। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो ट्राई करेंगे कि थोड़ा हल्का सा लेट जाएं, ज़्यादा जल्दी ठंडे में ना जाएं, बिकॉज ठंड बहुत है बाहर, तो बारिश स्टार्ट हो गई है और ठंड एकदम बढ़ गई है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं सुबह। अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ इस बीच तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और देखते हैं कल हम कितनी जल्दी उठ पाते हैं और वैली ऑफ फ्लावर में क्या आनंद उठा पाते हैं। तो तब तक के लिए बाय। घुमा दो पलटाओ ना पूरे, ऐसे करके घुमाओ ना, ऐसे करके घुमाओ। वीडियो बना रहा हूँ।